26 मार्च 1971 को आज़ाद हुए बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए कई सारे लीडर्स ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इसमें सबसे बड़े हीरो रहे शेख मुजीबुर रहमान ने कई साल जेल में काटा। और बांग्लादेश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग के प्रेसिडेंट होने की वजह से वो बांग्लादेश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन मुजीबुर रहमान के लिए ये सत्ता बिल्कुल कांटों से भरी थी, क्योंकि बांग्लादेश अपने सबसे मुश्किल स्थिति से गुजर रहा था और मुजीबुर रहमान के सामने कई बड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाना, इसके साथ ही कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसके साथ ही कंट्री में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सबसे जरूरी देश के भुखमरी दूर करने के लिए एक नया इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान बनाना सबसे जरूरी हो गया था उनके लिए। ये सिचुएशन तब और ज्यादा खराब हो गई जब पाकिस्तान से आजादी के लड़ाई के लिए बहुत सारे बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स ने एक साथ कोलिशन बनाया था, और जब आजादी मिल गई थी तो ये सारे दल आपस में अलग अलग ग्रुप्स में बंटने लगे अपने अलग अलग पॉलिटिकल पोजीशन और इकोनॉमिक पोजीशनिंग बनाने के लिए, और बांग्लादेश में बिल्कुल एकदम कैओस मच चुका था। इस सिचुएशन को डील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान ने कई नई स्ट्रेटजीज लगाई। उन्होंने पॉलिटिकल पोजीशन पे उन्हीं लोगों को बैठाया जो कि उनके बिल्कुल लॉयलिस्ट हों या फिर उनकी आइडियोलॉजीज में काफी ज्यादा बिलीव करते हों। लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले जो भी क्वालिफाइड लोग थे उनको हटा दिया गया, जिस वजह से कंट्री के पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से एक्सपर्टीज की कमी हो गई और गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती तो उन पॉलिसीज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि जो इंप्लीमेंटेशन कराने वाले लोग थे वो पूरी तरीके से बाहर हो चुके थे। मुजीबुर गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिसीजन उन प्रॉपर्टीज और एसेट्स पे लिया जिसे पहले पाकिस्तानी एलिट्स ओन किया करते थे। गवर्नमेंट ने 700 से ज्यादा फर्म्स को नेशनलाइज कर दिया और उन्हें उन लोगों को दे दिया जो कि इनके पार्टी के बिल्कुल सपोर्टर्स हुआ करते थे या इनके लॉयलिस्ट हुआ करते थे, जिनके पास कोई भी एक्सपर्टीज उनको रन करने की नहीं थी। इस मूव से गवर्नमेंट एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट कर रही थी जहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और 92% से ज्यादा इंडस्ट्रीज पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स पे कई सारे रूल्स और रेगुलेशन लगा दिया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उस कंपनी के साथ हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि शुरुआती दिनों में भारत के इंडिपेंडेंस के बाद एक लाइसेंस राज भारत में हुआ करता था और हर चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी इंडिया की। लेकिन इस लैक ऑफ एक्सपर्टीज वाली गवर्नमेंट का रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिला। यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट 66% से ज्यादा कम हो गया और इसके साथ ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जिस पे बांग्लादेश पूरी तरीके से डिपेंड करता था वो 84% से ज्यादा फॉल कर गई। सिचुएशन 1974 में तब और ज्यादा खराब हो गई जब बांग्लादेश में हैवी फ्लड आया और उसके बाद एक बड़ी फैमिन का सामना करना पड़ा पूरे बांग्लादेश को। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जहां पे कहा जाता है कि 15 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश में भूख की वजह से मारे गए। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 400% से ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद वही हुआ जो कि हर कंट्री में इन्फ्लेशन के बाद होता है। कई जगह सामानों की होर्डिंग्स होने लगी, प्राइसेस के स्पेकुलेशन किए जाने लगे, इसके साथ ही ब्लैक मार्केट पूरी तरीके से बनना शुरू हो गया और करप्शन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो चुका था। इन कई सारे फेलियर ने मुजीबुर गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में काफी सारा गुस्सा भर दिया और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुकी थी। और यहाँ पे मुजीबुर गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा था कि अब उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग मार्केट में बिल्कुल खराब हो रही है, जिस वजह से उन्होंने पूरी तरीके से डिक्टेटर की तरह काम करना शुरू कर दिया और कंट्री में इमरजेंसी लगा दी गई और मुजीबुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खुद ही होल्ड कर लिया। इसके साथ ही एक पैरामिलिट्री फोर्स बना के पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से क्रश किया जाना शुरू कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज को मार्केट में बैन कर दिया गया, इसके साथ ही इंडिपेंडेंट प्रेस के ऊपर भी बैन लगा दिया गया और पूरे कंट्री में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया। 1975 तक बांग्लादेश एक सिंगल पार्टी कंट्री बन चुकी थी, इसके साथ ही गवर्नमेंट का पूरी तरीके से अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल हो चुका था। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। शेख मुजीबुर और उनकी फैमिली की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई 1975 के अगस्त में। इसके अगले 2 सालों तक बांग्लादेश में कई सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री रायट्स होते रहे और 1977 में जनरल जियाउर रहमान अगले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं बांग्लादेश के। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भी स्थापना किया और कंट्री में कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस किए, जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज था वो था फॉरेन मनी कंट्री में लाना, क्योंकि कई सारी कंट्रीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहते थे, जिस वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कई चेंजेस किए गए कंट्री के। और यहाँ कई कंट्रीज ये भी चाहती थी कि बांग्लादेश एक सोशलिस्ट नेशन से आगे निकल के ओपन इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ आगे बढ़े। मुजीबुर रहमान के समय 1972 में गवर्नमेंट ने सेल्फ डिसीजन लेके एक क्लोज इकोनॉमी बनाया था बांग्लादेश को, लेकिन अब 5 सालों के अंदर कंट्री को एक जरूरत बन गई थी कि वो इकोनॉमी को पूरी तरीके से ओपन करे, क्योंकि बांग्लादेश की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनको बाहर से इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही थी अब। और इसलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री में कई सारे चेंजेस किए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, स्टॉक मार्केट को रीएक्टिवेट किया गया, इसके साथ ही गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज से पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खत्म कर दिया ताकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से कंट्री में अट्रैक्ट हो सके। और इन पॉलिसी चेंजेस का बहुत ही जल्द रिजल्ट बांग्लादेश को देखने को भी मिला, क्योंकि उसी साल बांग्लादेश को $1 बिलियन की फंडिंग बाहर से मिली जो कि उनकी पूरी इकोनॉमी के GDP का करीब 8% था। तो अब धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पे आने लगी थी और इसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया बांग्लादेश के एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट थी। और यहाँ पे कई सारे प्राइस रेस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर पे हटा दिए गए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स अगर इंपोर्ट करना है या फिर इंडस्ट्रीज सेट करनी है तो वो पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया लोगों को कि आप इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं।
1983 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद पावर में आते हैं और कंट्री पे फिर से वो पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं और वो भी एज ए डिक्टेटर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे उन्होंने मुजीबुर रहमान की तरह सारे यूनियंस के ऊपर बैन लगा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लगा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर दिया गया, इसके साथ ही मार्शल लॉ भी फिर से कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन इरशाद गवर्नमेंट ने एक सबसे अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया। कंट्री ने यहाँ पे कई सारे कंट्रीज से भी सीखा कि क्या अब दूसरी कंट्रीज में चल रहा है। उन्होंने हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज को देख के ये सीखा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। और बांग्लादेश ने अपने साउथ ईस्ट पार्ट में एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप किया जहाँ पे कंपनीज टैक्स फ्री प्रोडक्शन कर सकती हैं और उन्हें दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही इरशाद गवर्नमेंट ने एनजीओस पे भी फोकस किया, वो उन्होंने उन एनजीओस को फिर से जीवित किया जो कि पहले बंद हो चुके थे। यहाँ पे एनजीओस को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला और उनको एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग से पूरी तरीके से जोड़ा गया ग्राउंड लेवल पे। उस समय बांग्लादेशी गवर्नमेंट काफी ज्यादा वीक थी और वो लोगों को नेसेसरी सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, और अगर गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस चार्ज करती तो वो पॉलिटिकली एक रिस्की टास्क हो सकता था। इसीलिए एनजीओस को इन्वॉल्व किया गया गवर्नमेंट के साथ ताकि वो लोगों को डे टू डे सर्विसेज में काफी सारी हेल्प कर सके और कंट्री को किसी तरीके से डेवलप किया जा सके। इन सभी एनजीओस के ऑपरेशन में दो एनजीओस ने काफी बड़ा रोल प्ले किया, एक था ग्रामीण बैंक और एक था बीआरएसी। ग्रामीण बैंक को मोहम्मद यूनुस ने फाउंड किया था और ये लोगों को माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया करती थी, मतलब वो सिटीजन जो कि काफी ज्यादा पुअर हैं और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको वो माइक्रो क्रेडिट दिया करती थी। इसके साथ ही बीआरएसी एनजीओ लोगों को पॉवर्टी दूर करने के रास्ते बता रही थी और लोगों को मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रही थी, और इसके साथ ही वो फीमेल्स जो कि काफी ज्यादा इंप्रोवाइज सिचुएशन में है उनको एजुकेशन से जोड़ने का काम किया कर रही थी। इन एनजीओस के बड़े एफर्ट्स की वजह से समय के साथ में पॉवर्टी घटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इसके साथ ही हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी कॉमन मैन तक लगातार पहुंचती गई। और 1990 तक अगर हम देखें तो टोटल बांग्लादेश में करीब 26,000 से ज्यादा एनजीओस काम कर रहे थे। इरशाद गवर्नमेंट लोगों पे ध्यान तो दे रही थी लेकिन लोगों को चाहिए था कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी कंट्री में रन करे, और इरशाद गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक डिक्टेटर गवर्नमेंट थी जिस वजह से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे कंट्री में, और एक समय के बाद उनको पूरी तरीके से उनके पोजीशन से हटा दिया गया। इसके बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में फिर से आती है, लेकिन उन्होंने भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा। बांग्लादेश को दिख रहा था कि फॉरेन करेंसी कंट्री में बहुत तेजी से आ सकती है जिस वजह से उन्होंने कई और रूल्स में चेंजेस किए। उन्होंने करेंसी एक्सचेंज को काफी ज्यादा ईजी किया, इसके साथ ही उन्होंने ये भी दिखाई दिया कि एमएनसीज भी कंट्री में आ रही हैं और वो लेबर्स को हायर करना चाहती हैं, जिस वजह से हायरिंग पॉलिसीज को भी कंट्री में काफी ज्यादा इजी किया ताकि वहां के लोकल लोग एमएनसीज में इजीली काम कर सकें। इसके साथ ही कंट्री में 7 नए एक्सपोर्ट जोन्स भी ओपन किए गए, लेकिन ये वो कंट्री थी जहां पे ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज था, यहाँ के वर्कर्स अनस्किल्ड थे पूरी तरीके से और कंपनी के पास एक लिमिटेड कैपिटल था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये क्या ही एक्सपोर्ट कर पाते। लेकिन बांग्लादेश ने अपने आसपास की इकोनॉमी से सीखना शुरू किया और उन्होंने कोरिया, चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज को देखा और वहां पे उन्हें रियलाइज हुआ कि एक बड़ा गारमेंट इंडस्ट्री में गैप है और ये उसे फिलफिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सिचुएशन भी बांग्लादेश के हक में आ रही थी क्योंकि यहाँ पे कई सारी बड़ी कंट्रीज थी जो कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चर किया करती थी और उनको एक स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था एशियन कंट्रीज की तरफ से जो कि अपने चीप गारमेंट्स बना के कंट्रीज में बेचा करती थी। तो इस कंपटीशन को कम करने के लिए डेवलप कंट्रीज ने हाई इम्पोर्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर, ताकि जब एशियन कंट्रीज से गारमेंट्स आ रहा है तो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाए जिस वजह से कंपटीशन मार्केट में काफी ज्यादा कम हो जाए, और यहीं पे बांग्लादेश के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब साउथ कोरिया से जो भी गारमेंट्स बन के डेवलप कंट्रीज में जाते थे उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स काफी ज्यादा हो गया था जिस वजह से मार्केट काफी खराब होता जा रहा था, और वहां की एक बड़ी कंपनी दाइवू ने बांग्लादेश की देश एलईडी नाम की कंपनी के साथ गारमेंट प्रोडक्शन बेस बांग्लादेश में बनाना शुरू किया। और बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप कंट्री थी जिस वजह से उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड का लाइसेंस भी मिल चुका था डेवलप कंट्रीज की तरफ से। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी ज्यादा सूटेड प्लेस था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा चीप वेयर हाउसेस बनाए जा सकते थे, इसके साथ ही चीप लेबर्स वहाँ पे बहुत ही इजीली मिल सकते थे क्योंकि ये लीस्ट डेवलप कंट्री थी और यहाँ पे लोग किसी भी कॉस्ट पे काम करने को रेडी थे। इसके साथ ही यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी कि वर्कर्स को हायर करना काफी ज्यादा ईजी था अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना था, तो बांग्लादेश एक बेस्ट सूटेड नेशन की तरह डेवलप होना शुरू हो गया। इसके साथ ही बांग्लादेश अपने वुमेन इन्वॉल्वमेंट पे भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहा था क्योंकि जितने भी गारमेंट इंडस्ट्रीज बनती जा रही थी उसमें वुमेन इन्वॉल्वमेंट पे काफी फोकस किया गया और 90% से ज्यादा फीमेल्स को ही हायर किया जाता था। बांग्लादेश के गारमेंट का ग्रोथ को अगर 1990 से 2021 के बीच में देखें तो पहले वो $640 मिलियन का हुआ करता था और आज वो $34.2 बिलियन का हो चुका है। आज के रेट में बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है पूरे दुनिया में। इसके साथ ही दूसरा पॉजिटिव चेंज बांग्लादेश के लिए यही हुआ कि 80s और 90s के टाइम में लेबर्स की काफी ज्यादा दुनिया में जरूरत पड़ी। बांग्लादेश में काफी ज्यादा चीप लेबर्स पाए जाते थे जिस वजह से उन्हें गल्फ कंट्रीज में काफी ज्यादा बुलाया जाने लगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इसके साथ ही कई छोटे नेशंस में भी वो जाके पूरी दुनिया में काम करना शुरू कर दिए। इस वजह से अगर हम देखें कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था बाहर से लोग पैसे कमा के अपने घरों पे भेज रहे थे वो 1990s में करीब $778 मिलियन था और 2010 में वो $10.8 बिलियन पहुंच चुका था।
और इस दो फ्रंट पे जब बांग्लादेश ग्रो करना शुरू किया तो बांग्लादेश की जीडीपी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती गई, क्योंकि वो गारमेंट सेक्शन में भी काफी अच्छा कर रहे थे और माइग्रेंट लेबर जो कि बाहर जाके काम कर रहे थे वो भी काफी ज्यादा रेमिटेंस मनी भेज रहे थे, जिस वजह से बांग्लादेश अपने ट्रेड डेफिसिट के सरप्लस में चली गई। और अब गवर्नमेंट के पास पैसे थे कि वो अपने पावर सेक्शंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे हम देखें तो ढाका से पूरी कंट्री को इजीली कनेक्ट करने की कोशिश की गई, वहां पे पद्म ब्रिज बनाया गया और बंग बंधु ब्रिज बनाया गया, जिस वजह से पूरी तरीके से बांग्लादेश को इजिली उनके राजधानी से कनेक्ट किया जा सके और लोग इजिली ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कर सकें। यहाँ पे कनेक्टिविटी पे काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने फोकस कर दिया। अगर हम 1990 से 2020 के बीच में देखें तो बांग्लादेश का एवरेज जीडीपी ग्रोथ करीब 5.6% था, जिस वजह से उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान जैसी बड़ी कंट्रीज को भी जीडीपी पर कैपिटा में काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। आज बांग्लादेश की मोस्टली इकोनॉमी अपने गारमेंट बिजनेस पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, उनका 10% जो इकोनॉमी है वो गारमेंट से ही प्रोडक्शन करके हुआ करता है। इसके साथ ही 81% से ज्यादा जो ट्रेड है बांग्लादेश का वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ही हुआ करता है। और इस गारमेंट इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की वजह से जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से आया करता था, ये 2026 में इनसे ये टैग पूरी तरीके से चला जाएगा और ये डेवलप कंट्रीज के जोन में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनका एक सबसे वीक पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ही इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसा कि हमने कोविड के टाइम में भी देखा था कि पूरी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड रुक गया था, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इनकी इंडस्ट्री काफी ज्यादा हैम्पर हुई थी, क्योंकि ये एक ही चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आने वाले टाइम में गारमेंट इंडस्ट्री पे कोई बड़ा प्रॉब्लम आती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को होगा, क्योंकि इनकी मोस्टली इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है, तो एक चीज पे डिपेंड होना किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही बांग्लादेश कई और सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ आते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले 30 सालों में बांग्लादेश में करीब 4.5 करोड़ लोगों ने अपने गांव को छोड़ के शहरों की तरफ शिफ्ट हुए हैं, जिसके लिए इनको काफी सारे हॉस्पिटल्स, घर, एजुकेशन फैसिलिटीज और इन चीजों की काफी जरूरत है, जो कि बांग्लादेश में अभी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है इंटरनली। इसके साथ ही ऐसा आगे का ट्रेंड है कि करीब 4.5 करोड़ और लोग अगले 2050 तक बांग्लादेश में अर्बन सिटीज की तरफ मूव करेंगे, जिनके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बांग्लादेश में काफी जरूरत है, और इन चीजों में अभी बांग्लादेश काफी पीछे है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज बांग्लादेश के सामने है कि इनका 75% से ज्यादा जो कंट्री है वो पूरी तरीके से सी लेवल के नीचे है, तो कभी एक बड़ा फ्लड या कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो बांग्लादेश को काफी ज्यादा इससे बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो इनकी मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट है, तो अगर एक बड़ा फ्लड आता है तो आज भी बांग्लादेश पूरी तरीके से एक मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है और वो करप्शन फ्री भी होना चाहिए, जो कि बांग्लादेश में आज नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ बांग्लादेश के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनका पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इनका पॉलिटिकल सिस्टम काफी ज्यादा वीक है। अगर हम 1971 से ही देखें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा वीक है, मिलिट्रीज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके साथ ही जो लीडर्स हैं वो हमेशा पावर को अपने पास ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, कोई भी लीडर आता है वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है बांग्लादेश में, वो डेमोक्रेसी को हटा देता है। कितने सारे हमने लीडर्स के बारे में बात किया, वो हमेशा डेमोक्रेसी को हटा के आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आज की हम बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को देखें तो वह है शेख हसीना। इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको और उनकी फैमिली को पूरी तरीके से मार दिया गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और ये उनकी बेटी थी जो कि बाहर पढ़ा करती थी, इसलिए ये सर्वाइव कर गई। तो आज के डेट में शेख हसीना एक वन पार्टी सिस्टम रन कर रही हैं। इनके टाइम पे भी आज हम यही देखते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट खलीदा जिया को इम्प्रिजन कर दिया था 2015 में, और उसके बाद उन्हें पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से बैन भी कर दिया। और यहाँ कई आर्ग्यूज आते हैं कि इकोनॉमी तो बांग्लादेश की डेवलप हो रही है ना, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं होता है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर डिक्टेटर गवर्नमेंट आएगी तो वहां पे करप्शन काफी ज्यादा बढ़ेगा, वो अपने लॉयलिस्ट को ही बड़े पोजीशन पे रखेंगे, जिस वजह से कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंडिया जैसी कंट्री देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी काफी ज्यादा है, जिस वजह से पॉलिटिकल पोजीशंस पे काफी अच्छे लीडर्स हमेशा आ जाया करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का रूल चल रहा हो। इसीलिए डेमोक्रेसी हर कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम इजिली रन किया जा सके। आज बांग्लादेश में एक्सटॉर्शन, ब्राइबरी और अनऑफिशियल फीस लेना अलग अलग चीज़ों के लोगों के काम पूरा करने के लिए, ये बहुत ही आम बात है। और अगर हम करप्शन में देखें तो बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टैंड किया करता है, वो सिर्फ अफगानिस्तान के ही ऊपर स्टैंड आपको करता दिखाई देगा। तो बांग्लादेश को ज़रूरत है कि वो करप्शन फ्री कंट्री अगर बनाए तो काफ़ी तेज़ी से वर्ल्ड इकोनॉमी में आगे जा सकती है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि वो कंट्री जिसे पूरी तरीके से खत्म मान लिया गया था 1971 के बाद, उस कंट्री ने 50 सालों में पूरी तरीके से अपने सिटीजन्स के साथ मिलकर वर्ल्ड में स्टैंड करने की कोशिश किया है, और इंडिया जैसी कंट्रीज को उन्होंने पर कैपिटा में बीट किया है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है किसी भी कंट्री के लिए, तो इसके लिए तो हमें बांग्लादेश को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं आप।